दर्शक, सबसे पहले तो यार मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। बहुत सारे वादे मैंने शायद आप लोगों के साथ किए थे कि बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, बट घर की परिस्थिति कुछ ऐसी थी, मनोपरिस्थिति कुछ ऐसी थी, या मनोस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी पिछले एक डेढ़ महीनों में, कंडीशन आप लोग जान ही रहे होंगे और कारण भी आप लोग जान रहे होंगे, कि हिम्मत नहीं हो रहा था कि आप लोगों के सामने चेहरा दिखाओ या वीडियो बनाओ या जो भी कह सकते हैं। तो जेई मेंस के एडमिट कार्ड आप लोगों की रिलीज़ हो गई एक दो दिन पहले, हालांकि उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग बना दिया था। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एग्जाम डे गाइडलाइंस आप लोगों के लिए क्या होने वाली है, कुछ मेजर छोटी छोटी चेंजेस हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे वाली। नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो आप लोगों के लिए एग्जाम डे गाइडलाइंस आई हैं उसकी मैं लिंक दे देता हूं, आप लोग जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट आपका जाएगा, आप उसे जाके पढ़ लीजिएगा। फॉर्मूला बुक की लिंक दे दूंगा। एग्जामिनेशन कैसे देते हैं, ऑनलाइन परीक्षा कैसे दी जाती है, उसकी एक डेमो वीडियो मैंने बनाई है, उसकी लिंक मैं दे दूंगा, उसे भी जाके आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे है, और कौन कौन से एग्जामिनेशन को आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए जेई मेंस के अलावा, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है, उसे भी आप लोग जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके एडमिट कार्ड से। तो एडमिट कार्ड आप लोगों की बेसिकली 4 पेजेस की आई होगी, ठीक है। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि भैया 1 पेज पे प्रिंट करो या 2 पेज प्रिंट करो। देखिए, आप लोगों के लिए जो काम आने वाली है वो जो सबसे मेन पेज जो है वही आप लोगों के लिए काम आने वाली है, बट मैं कहूँगा कि सारे के सारे पेज आप लोग प्रिंट कर लो, बहुत ज़्यादा पैसा आप लोगों को लगने वाला नहीं है। जब आप लोग एडमिट कार्ड प्रिंट कराएंगे तो आपके एडमिट कार्ड में एक बार कोड रहेगा, ध्यान रखिएगा कि वो बार कोड आप लोगों के लिए क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसी बार कोड से को स्कैन करके आप लोगों को वहाँ पे रूम एलोकेट वगैरह किया जाता है। कई बच्चों के लिए एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज नहीं हुआ होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले साल या फिर उससे पिछले साल जेई मेंस के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ करता था। काफ़ी सारे बच्चों की एग्जामिनेशन जो सेंटर हो या सिटी जो है, सिटी में भी जो सेंटर आते हैं वहाँ पे पूरी की पूरी सेंटर ही बुक कर ली जाती थी और आराम से चीटिंग वगैरह हो जाता था। जो बच्चे पढ़ते नहीं थे उनके 98-99% आए, जो बच्चे पढ़ के मेहनत करके एग्जामिनेशन दिए उनकी 94-95% आए। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए, इस चीज़ में बदलाव लाने के लिए इस साल NTA ने इस तरीके से किया है कि कुछ बच्चों की जो एडमिट कार्ड है उसको डिले कर दिया कि एग्जामिनेशन से 1 या 2 या 3 दिन पहले आप लोगों की एडमिट कार्ड वो निकलेगी। कई बच्चों की एडमिट कार्ड में जो एग्जामिनेशन सेंटर या सिटी जो है उसमें भी चेंजेस आए हैं, आप लोग प्लीज़ एग्जामिनेशन से 1 या 2 दिन पहले रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चों के पास नोटिफिकेशन भी आई है कि उनकी एग्जामिनेशन सेंटर या एग्जामिनेशन डेट जो है वो चेंज हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो तो आप लोग कलर प्रिंट आउट निकालिएगा, वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे वहाँ पे 3 ब्लैंक ऑप्शंस आप लोगों के लिए आएगी, जहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन का जहाँ पे ऑप्शन आता है तो वहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आप लोग कोविड पेशेंट के नज़दीक आए हो या नहीं हो, क्या आप एक कोविड पेशेंट थे या नहीं थे। तो उसमें अकॉर्डिंगली आप लोगों को जो टिक करना है उसको टिक कर लीजिएगा, ये कोई बहुत ज़्यादा बताने की बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, वहाँ पे 3 ब्लॉक्स होंगे जहाँ पे आप लोगों को एक ब्लॉक में आपका फोटोग्राफ चिपकाना है। कौन सा फोटोग्राफ चिपकाना है? जो फोटोग्राफ आपने जेई मेंस के समय अपलोड किया था, जो आपके ऊपर में जो एक आप जो फोटोग्राफ आपने जो दे के रखा था वही फोटोग्राफ को वहां पे आप पेस्ट कर दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन आता है वहां पे, जिसमें आप लोगों को लेफ्ट, ये जो आप लोगों का लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड से आप लोगों को वहां पे थंब पैड से या फिर इंक पैड जिसको कहते हैं उसके ऊपर आप लोगों को रख के और वहां पे अपना थंब प्रिंट देना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड का थंब प्रिंट। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और तीसरा ऑप्शन आता है आप लोगों का वहां पे सिग्नेचर का, सिग्नेचर का ऑप्शन आप लोगों को जब आप लोग एडमिशन जहां पे आप लोग की एग्जामिनेशन होगी एग्जामिनेशन सेंटर पे आप लोगों को सिग्नेचर करना है। ये इसलिए किया जाता है, अगर आप लोग घर से करके जाओगे तो उसको खारिज कर दिया जाएगा, मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो तो वहां पे आप लोगों से सिग्नेचर लिया जाता है, और उस सिग्नेचर को जब एग्जामिनेशन के सामने जाओगे और वहां पे सिग्नेचर करोगे तो उस सिग्नेचर के साथ वहां पे मैच किया जाएगा। अगर दोनों सिग्नेचर मैच कर जाती है, ऐसे करती है मैच है, तो फिर आप लोगों को एग्जामिनेशन देने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। फिर आप लोगों की फोटोग्राफ वगैरह ली जाती है, आपका फेस वगैरह को स्कैन किया जाता है और आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि बताना चाहिए, जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले आप लोगों को पेन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे पेन लेके जाना पड़ता है। तो बॉल पॉइंट पेन ले लीजिएगा। अब ये मुझसे या फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि भैया 1 लेके जाओ 2 लेके जाओ, आपकी जितनी इच्छा हो, अगर आपका 1 से काम चल जाए तो ठीक है। मैं कहूंगा कि 2 पेन लेके जाइए, कहीं 1 पेन अगर खराब भी हो जाए तो दूसरा पेन आप लोगों का वहां पे काम आ सकता है। पेपर ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर पे, आप लोगों को पेपर जिसमें आप लोग सॉल्व करते हो ना वो प्रोवाइड वहां पे किया जाएगा। पहले आप लोगों को 6 पेजेस दी जाती है, इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि आप लोगों से उन 6 पेजेस में काम नहीं चल पाता तो शायद आप लोगों को एक्स्ट्रा पेजेस भी वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वो पेज को आप लोग बाहर लेके नहीं आ सकते, उस पेज को आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे एक डस्टबिन होता है वहां पे ही आप लोगों को वो फेंकना पड़ता है। वैलिड आईडी प्रूफ जो आप लोगों को वो लेके जाना पड़ेगा। आज से 1-2 साल पहले तक क्लास 12th की जो आईडी कार्ड है उसको वैलिड आईडी प्रूफ नहीं माना जाता था। एग्जामिनेशन सेंटर पे अगर आप लेके जाते तो शायद आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाता ड्यू टू कोविड वगैरह जो कारण थे उनके वजह से। लेकिन अब इस साल इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जाइए, अगर आपके पास बैंक की कोई भी पासबुक वगैरह है तो वो लेके जाइए, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ले लीजिए, या फिर
अगर आपके पास आधार है, बैंक डिटेल्स है, या फिर क्लास ट्वेल्थ की अगर कोई डॉक्यूमेंट है जैसे कि आईडी कार्ड हो गया या फिर एडमिट कार्ड हो गया जिसमें आपकी फोटोग्राफ भी हो और सारा डिटेल आपके बारे में हो, तो उन सारी चीज़ों को आप लेके आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे एज ए वैलिड आईडी प्रूफ लेके जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जिसके ऊपर ध्यान रखना है, वो क्या है कि जो भी आप डिटेल्स लेके जाओगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे वो ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। बात समझ आए? ओरिजिनल लेके जाना, ये नहीं कि फोटोकॉपी लेके चले गए, फोटोकॉपी वहाँ पे मानेंगे नहीं और वो बहुत क्रूयल होते हैं। आप फोटोकॉपी लेके जाओगे, आप गिड़गिड़ाते रहोगे, आपको इंटर नहीं करने दिया जाए। बात समझ आई? तो ओरिजिनल कॉपी लेके, ओरिजिनल लेके जाना, कॉपी लेके मत जाना। इसके साथ ही साथ आप लोगों को एडिशनल फोटोग्राफ भी लेके जाना। देखो एक फोटो तो आप लोगों ने एडमिट कार्ड में लगा दिया, एक फोटो एडमिट कार्ड में पहले से लगी हुई थी, और दो तीन फोटो अपने पास रख लेना। ऐसे तो वहाँ पे एक या दो फोटो की जरूरत पड़ती है, बट मैं कहूँगा कि दो तीन फोटोग्राफ आप अपने पास रख लेना, अगर जरूरत नहीं पड़ी तो आप वापस लेके आ जाओगे। तो दो तीन फोटोग्राफ, वही फोटोग्राफ जो आपने जेई मेंस में जो यूज़ किया है फॉर्म फिल करते समय, उसी फोटोग्राफ को अपने पास रख लीजिएगा। वो फोटोग्राफ आप लोगों को वहाँ पे भी पेस्ट करना पड़ता है, फॉर्म में वहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे है उस चीज़ के लिए। अब जब मैं इतनी चीज़ों को बता रहा हूँ तो एक चीज़ तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्जामिनेशन टाइम जितनी भी हो, उस एग्जामिनेशन टाइम से तकरीबन आप कोशिश कीजिएगा कि आधा या एक घंटा पहले पहुँचे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है और जिस एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जाओगे वहाँ भीड़ होगी, 100 बच्चे, 200 बच्चे, 250 बच्चे होंगे, तो एक एक बच्चों का उस तरीके से ये प्रोसेस होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसीलिए वक्त अपने पास लेके जरूर से ज़रूर जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया ड्रेस कोड के बारे में बता दीजिए कि ड्रेस कोड का क्या सीन रहने वाला है। तो ड्रेस कोड में अभी ठंड का दिन है तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि स्वेटर वगैरह या फिर जैकेट वगैरह पहनने की कोशिश करोगे या पहन के जाओगे ही जाओगे, है ना। तो जो भी ड्रेस पहने वो हल्का ड्रेस पहने। मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप लोगों को स्वेटर या जैकेट के साथ अंदर अलाउ नहीं किया जाए, है ना। और रही बात शूज़ की, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि शूज़ अलाउ है या नहीं है, तो देखो यार मेरे हिसाब से तो आप शूज़ पहन के मत जाना, आप सैंडल पहन लो या फिर नॉर्मल जो आपका क्या बोलते हैं चप्पल बोलते हैं ना उसको, तो चप्पल अगर आप पहन लोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे, आपको वो बोलेंगे कि उन चीज़ों को उतारो। ये इसलिए किया जाता है ताकि स्कैम ना हो, एग्जामिनेशन सेंटर पे आप कुछ ऐसी चीज़ों को लेके ना जा सको जिससे आप लोग वहाँ पे चीटिंग कर सको, बस इसी चीज़ के लिए होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हल्का ड्रेस पहन के जाएं, ऐसा ड्रेस पहन के जाएं जिसको जब आप लोगों के वहाँ पे चेक करें तो कोई भी चीज़ उतारने की जरूरत ना पड़े, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और वैसे लोग जो कि पगड़ी पहनते हैं या फिर हिजाब वगैरह जिनको पहनना पड़ता है या रिलीजियस नॉर्म्स की वजह से कोई भी ड्रेस कोड अगर आप पहनते हैं, तो आपको मैं कहूँगा कि आप 15-20 मिनट और जल्दी जाएं, क्योंकि आप लोगों का चेकिंग में हो सकता है कि थोड़ा और ज़्यादा वक्त लगे, ठीक है। और पानी की बोतल अगर आप खुद से लेके जाना चाहें तो वो लेके आप जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाइएगा। और जब पेन की बात मैं कर रहा हूँ तो पेन भी आप लोगों की ट्रांसपेरेंट बॉल पेन होनी चाहिए। सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया इसमें हम लोग अपनी ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह को लेके जा सकते हैं। देखो नहीं, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह आप लोगों की एग्जामिनेशन सेंटर पर अलाउ नहीं होती है। आप जो वॉच पहनते हो ना, वॉच भी आप लोगों के लिए अलाउ नहीं होती, वहाँ पर टाइमिंग वगैरह के लिए वॉच लगा रहता है, तो आप लोग उसको यहाँ पर देख सकते हो। अपना खुद का रिस्ट वॉच मत पहनना और खुद का मोबाइल फ़ोन लेके मत जाना या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अंदर अलाउ नहीं होता, कैलकुलेटर अंदर अलाउ नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती वहाँ पे। और इन सारी चीज़ों की डिटेल मैंने अपनी वेबसाइट पे, जो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने कहा ना आप लोगों को एग्जाम डे गाइडलाइंस का, मैंने वहाँ पे लिंक दिया है, वहाँ पे आप लोग जाना और उन चीज़ों को पढ़ लेना। 4-5 मिनट का वक्त लगेगा, उसे आप लोग एक बार पढ़ लेना, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि भैया क्या हम लोग पैसे कैरी कर सकते हैं, क्या हम लोग बैग कैरी कर सकते हैं। देखो बैग आप लेके जाओगे लेकिन उसकी जो क्या बोलते हैं जवाबदेही, वो एनटीए का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप बैग लेके गए, बैग आपको अंदर ले जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा, आपको एक कोई फॉर एग्जाम्पल एक प्लेस मिलेगा जहाँ पे आप बैग रखें। अब वो बैग रखने के बाद अगर वो बैग आपकी चोरी हो जाती है तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी, खुद की होगी वो। तो इन चीज़ों को आप लोगों को दिमाग में रखना है। मेरे ख्याल से आपके पेरेंट अगर आपके साथ जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। अकेले बाय बाय।